हाय फ्रेंड, हाय, कैसे हो? सब लोग ठीक ठाक हो? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहु। हमारा नाम मोहम्मद अली है और हमारा रिएक्शन चैनल है। तो आज हम जिस भाई के बारे में बात करने वाले हैं, सऊदी में जंगल में रहते हैं, तो आज अपना स्टोरी बताने वाले, अपना बीता हुआ कल बताने वाले, कैसे कैसे उन्होंने क्या किया, कैसे इनका यूट्यूब चैनल बना, कौन बनाया, कौन इनका हेल्प किया। जंगल में रहते हैं, बकरी वकरी चराते हैं यार। चलो देखते हैं वीडियो, अगर वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर शेयर करें यार, और हमारे चैनल को भी सपोर्ट करें और वीडियो को लाइक करें। और हर प्रदेश में यार, तो हर आदमी को मुसीबत है यार, कोई बयां करता है, कोई बयां नहीं करता। तो चलो देखते हैं भाई की क्या दिल की दर्द है, क्या बताना चाहते हैं। तो चलो चलते हैं वीडियो में। हाँ, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करना और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। ऐसा वीडियो। हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे आप लोग? आशा करते अच्छे होंगे, स्वस्थ और मस्त होंगे, अपने अपने घर में खुश होंगे दोस्तों। तो गाइस, आज हम कुछ अलग बात, अच्छा बात बताने वाले हैं। शायद कुछ भाई जानते भी होंगे और कुछ मेरे दोस्त सही नहीं जानते होंगे। अगर जो भाई नहीं जानते हैं तो हमारे वीडियो के थ्रू और लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उनको पहचान जाएंगे। शायद जानते होंगे भाई तो पहचान जरूर जाओगे, वो भी सऊदी अरब में हैं। अब अपने लाइफ के बारे में थोड़ा आज बताएंगे, अपने चैनल के लाइफ के बारे में गाइस। तो गाइस, ऐसे वीडियो में बने रहिए, आज हम अपने चैनल के लाइफ के बारे में बताएंगे, हम कैसे कहाँ तक पहुँचे, क्यों पहुँचे, किसी के सपोर्ट से पहुँचे हैं, कि हम मेहनत तो भी करते हैं लेकिन कहते हैं कहीं ना कहीं सपोर्ट का भी ज़रूरत होता है मेरे दोस्त। तो वीडियो में बने रहे दोस्तों, चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर देना, ऐसे प्यार सपोर्ट देते रहना। आज हम उसी शख्स के बारे में बात करेंगे कि आप भी सोचेंगे कि हाँ, रामू भाई के ऊपर आप लोगों का तो प्यार दुलार हाई है दोस्तों, और मेरे जो छोटे छोटे क्रिएटर थे, हमसे थोड़ा ऊँचे थे, उनका भी प्यार बहुत ज़्यादा मिला है, तो उन्हीं के बारे में आज बताएँगे दोस्तों। तो भाई बता रहे थे कि रामू भाई, आप भी हमारे बारे में भी बता दीजिए अपने दर्शकों से। तो हम कहा ठीक है भाई, हम तो उनको गुरु ही मानते हैं और आप लोग भी गुरु हैं, सबसे बड़े गुरु तो आप ही लोग हैं भाई, तो सोचे क्यों ना बताया जाए, तो आप लोगों से हम शेयर करेंगे वो बातें, और आप उनके वीडियो को जाके देख लेना, सही पता चल जाएगा। आप लोग जानते भी होंगे और नहीं जानते हैं तो जान लेना मेरे दोस्त, तो उन्हीं के बारे में बताएंगे। तो चलो दो गाइस, हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस, उनके चैनल का नाम है असना ब्लॉग, असना ब्लॉग सऊदी अरब में रहते हैं। उनसे कांटेक्ट कैसे मैंने किया, संपर्क कैसे मैंने किया, ये सारी चीज़ें आपको बताएंगे, वीडियो में शेयर करेंगे, आपको बताना बहुत ज़रूरी है मेरे दोस्तों। तो जब मेरा शायद 200 प्लस कुछ सब्सक्राइबर थे हमारे पास, जब ही उनका वीडियो मैंने देखा था तो उनसे मैंने कमेंट किया उनके वीडियो पे कि भाई मेरा भी सपोर्ट कर देना मेरे भाई। तो उन्होंने मेरे कमेंट का रिप्लाई दिया, इंस्टाग्राम से उनसे कांटेक्ट हुआ, बात हुआ, बात होने के बाद नंबर मिला। उन्होंने मेरा वीडियो एक कॉमेडी पोस्ट में शेयर कर दिया था, तो वहाँ से हमें इंस्पॉन्स बहुत अच्छा मिला, और एक वीडियो कल बनाएंगे उनके भी बारे में, उन्होंने भी सपोर्ट किया है, उनका नाम चंदन ब्लॉग है, वो भी सऊदी अरब में है, तो उनका भी वीडियो कल बनाएंगे, उनके भी लाइफ के बारे में बताएंगे आप लोगों को। लेकिन आज हम असना ब्लॉग भैया के बारे में बताएंगे। तो बहुत अच्छे इंसान है, कहते दोस्तों ठोकर कई तरीके के होते हैं। तो गाइस, ठोकर दो तरीके के मिलते हैं, और भगवान ना करे किसी को ऐसा ठोकर किसी को ना मिले। तो पहला ठोकर ये मिलता है इंसान को दोस्तों, जिसके बचपन से माँ बाप बिछड़ जाए, दुनिया में ना रहें, ये सबसे बड़ा ठोकर होता है। गरीब इंसान कितना भी हो जाए उतना नहीं तकलीफ होता, लेकिन जब दुनिया से किसी के माँ बाप उजड़ जाते हैं, अब अपने आप बचपन से अपने आप के ऊपर मजबूरी और बोझ लद जाता है, तो इससे बड़ा ठोकर कोई ठोकर नहीं हो सकता दोस्तों। और दूसरा ठोकर गरीबी होता है, तो चलो हल्का नॉर्मल ही रहता है, कैसे ना कैसे इंसान कमा के खा लेता है, लेकिन माँ बाप का जब प्यार बचपन से उछड़ जाता है दोस्तों, तो बहुत दिल पे हार्ड होता है, दिमाग नहीं काम करता है, फैमिली को कैसे चलाऊँ, क्या करूँ, उम्र अभी छोटा है, कहीं नौकरी नहीं मिलेगी, तो मतलब हर जगह दिमाग दौड़ता रहता है दोस्तों, जब तक उम्र थोड़ा अच्छा ना हो जाए।
तो इतने अच्छे इंसान हैं दोस्तों। आप कमेटी पोस्ट में वीडियो शेयर करेंगे, देख लेना, असना ब्लॉग के नाम से चैनल है और अच्छे फ्रेंड हैं उनके पास और बहुत अच्छे इंसान हैं। इतने अच्छे इंसान हैं कि हम शब्दों में बयां नहीं कर सकते मेरे दोस्त, और बहुत नेक इंसान है, क्या बताएं। तहे दिल से थैंक यू सो मच मेरे असना ब्लॉग भैया जी। और उनका भी वीडियो गाइस देखना, वो उनका भी जो मुसीबत मेरे पे हुआ वही मुसीबत उनके ऊपर है। जो कपिल जैसा मुझे मिला ऐसे कपिल उनको भी मिला है। उनको भी तकलीफ होता है, हमें भी परदेश होता में है, हर आदमी तो को वो तकलीफ भी है। अपनी बातें शेयर करते हैं आप लोगों तक घर नहीं होता यार, और हम परदेश भी अपनी बातें छोटी वहाँ से के लोग छोटी नहीं बड़ी से समझते यार, बातें सऊदी वाले शेयर के करते लोग, रहते हैं। सऊदी और कोई शेयर है करना नहीं हमारा समझते तुम्हारी काम मजबूरी है, को, आप किस लोगों तक मजबूरी से यहाँ पहुंचाना मेरा काम है। और नहीं पहुंचाएंगे आदमी तो आपको कामयाब होने कैसे के लिए पता सबर चलेगा करना रामू भाई पड़ता कैसे रहते हैं, कैसे खाते हैं, है। कैसे ज़िंदगी गुजारते हैं सऊदी में। और ज़िंदगी दोस्तों यहाँ जानवर की तरह गुजारना पड़ता है। देखो अगर ये वीडियो कहीं भाई, कहीं ऐसा भाई का मिल जाता मुसीबत, है भाई का कोई कोई परेशानी, मालिक, तो लोग बोल जानवर दिया की तरह सऊदी में ज़िंदगी पैसे गुजारना छापना, पड़ता है पैसे जैसे कमाना हम बहुत गुजार रहे आसान हैं है, दोस्तों। आसान नहीं है भाई, किसी किसी भाई को बहुत यकीन नहीं तकलीफ पड़ता उठाना होगा, पड़ता है लेकिन यार। 99% लोगों को यकीन पड़ता है कि रामू भाई सच बात बोलता है। और सच के सही सिवा बात है हम भाई, झूठ मैं बोलते ही नहीं दोस्तों, सपोर्ट करता हूँ यार भाई तुम्हारा, कभी झूठ नहीं बोलते हैं। सपोर्ट कोई करो भी मेरे भाई। बात होगा सच ही बोलेंगे। और देख लीजिए यहाँ पे बकरी चरा रहे हैं और अपने गुरुजी के बारे में बता रहे हैं आप लोगों को। तो आप लोगों को वीडियो उनका मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और कमेडी पोस्ट में भी उनका वीडियो मिल जाएगा। अब आज वीडियो शाम 5 बजे अपलोड करेंगे गाइस। उनका भी फुल सपोर्ट करना, उनका वीडियो देखना, साथ साथ मेरा भी सपोर्ट करना मेरे दोस्तों। आपका पहचान भी बन जाएगा, अब आप देख के घबरा जाएंगे कि सऊदी अरब में चलो हम झूठ बोलते हैं, लेकिन बहुत लोग ऐसे हैं दोस्तों कि उनको तकलीफ से ही सही गुजरना बात पड़ता है भाई, है। तो गाइस आज है जुमा और शुक्रवार है, शुक्रवार के दिन मेरा कपिल आज नहीं आया है। आज मैं खुश हूँ, आज आपको देख के ही पता चल जाता होगा कि चेहरे से कि यार आज खुश कपिल हैं, चला हम जाता है अच्छे किसी के हैं। ना, और रहता कोई भी गाइस हो तो यार, हम इतना लोग का ड्राइवर बकाता है, है, इतना कोई भी हो, बकाता है, कपिल नहीं है घर पे। अरे कभी यार बोलेगा खुशी बकरी हो इधर भाई, घुमा के लाओ, कभी चलो घूम बोलेगा लो उधर जल्दी इधर, घुमा मैं के लाओ। जा रहा अगर हूँ। बकरी एक जगह पे चर रही हैं फिर भी बोलेगा इधर लेके आओ, इधर लेके आओ, इधर लेके आओ, ऐसे ऐसे करते हैं, हमको चलाते रहता है, चलाते रहता है। उस दिन तो हमें दवा खाना पड़ता है, तब जाके मेरा मतलब हरांगी वो हो जाता है यार शरीर में, पूरे बदन में मतलब पील सा हो जाता है, तो दवा खाते तो आराम हो जाता है। तो गाइस जब कपिल साथ में रहता है तो नौकर ही होते हैं दोस्तों। और नौकरों को यहाँ इज्जत कितना सही होता है बात पता है है गाइस? यार, आप लोग कमेंट क्या में करते इज्जत थे है कि ये लोग कितना इज्जत करते हैं, जितना इज्जत क्या बताया गाइस, बता बताने दो में भी यार शर्म आता है उसकी, नहीं मुझे है कि कैसे यहाँ बताऊं, सब लेकिन अजनबी बता लोग ही बैठे देता हूँ। हैं तुम्हारा बात यहाँ सुनने के कुत्तों की लिए, ज़िंदगी ठीक होती है हर लेकिन आदमी नौकरों का अपना कोई दिल का इज्जत दर्द नहीं बयां होता है करता दोस्तों। है, करने वाले हैं मुश्किल ही सऊदी यार, अरब में, सुनते करने हैं वाले सब, हैं इज्जत, लेकिन कुछ लोग को अच्छा देहात लगता है एरिया यार में हम लोग दोस्तों जो हैं, देहात कि एरिया देखते में, हैं यार कितना तो मुसीबत यहाँ के लोग परदेश देहाती में लोग काटते हैं, नौकरों का इज्जत नहीं करते हैं। सभी मालिकों को नहीं होते बोल रहे हैं हैं लेकिन कुछ पांच होते उंगली हैं, बराबर नहीं सब है भाई, जगह होते हैं। तो हम उनमें से मिल गया है मेरा मालिक कि मेरा इज्जत, यहाँ नौकरों का इज्जत नहीं होता दोस्तों। कोई भी चीज़ ख़राब हो जाएगा फेंक देंगे लेकिन नहीं देंगे नौकरों को कि खा ले, मेरा नौकर है और इनके माँ बाप यहाँ पे नहीं हैं, जो कुछ हैं हम ही हैं। लेकिन ये चीज़ इंसानियत इनके अंदर नहीं है मेरे दोस्तों, इंसानियत इनकी पता नहीं कौन अगले जन्म से मर चुकी है, इंसानियत बिल्कुल नहीं इनके अंदर, ये समझ लीजिए दोस्तों। गाइस आपको थंबनेल पे असना ब्लॉग का मैं थंबनेल पे फोटो लगा देंगे, आपको थंबनेल पे देख के पता चल जाएगा गाइस और कि कौन असना ब्लॉग है। शायद आप लोग नहीं जानते हैं तो जान भी जाएंगे, और बहुत अच्छे इंसान हैं, उन्होंने मेरा बहुत हेल्प और सपोर्ट किया। आज उन्हीं की वजह से हम यहाँ तक पहुँचे हैं, आप लोगों का प्यार दुलार उन्हीं की वजह से मिल गया है दोस्तों। नहीं तो मेरा वीडियो वायरल नहीं जाता, तो कौन, जब वीडियो वायरल नहीं जाएगा तो कौन किसी सही को बात है, पहचानेगा? जब पहचान में आता है, जब कोई चीज़ आगे बढ़ जाता है, तो और कल वीडियो जो बनाएंगे गाइस तो चंदन के नाम से मिलेंगे चंदन बनाएंगे, से भी भाई, उन्होंने भी मेरा सपोर्ट उनका किया भी है, वीडियो फुल देखेंगे सपोर्ट किया क्या है, है कैसे जिसे बनाते क्या हाल असना है ब्लॉग उनका भैया जी कैसे मेरा रहते हैं सपोर्ट जंगल किए हैं, में, वैसे उन्होंने भी सपोर्ट किया, मतलब दोनों मिलेंगे मेरे गुरु गुरु से हैं, दो भाई, गुरु हैं हमारे तुम्हारे गुरु से पास, मिलेंगे दो दो गुरु बात हैं, करेंगे, तीसरा गुरु आप हैं। तो सबसे सही ज़्यादा बात प्यार है आपका ही मिला है, हम यार, आपका ही सपोर्ट कर तारीफ दो सबसे ज़्यादा भाई, करेंगे, लेकिन अब तक ऐसे उन्होंने दूसरों का धक्का वीडियो लगा बनाते दिया तो हम रहेंगे चल गए। प्लीज मतलब यार, समझ सकते हैं कि कोई गाड़ी रुक जाती है या बैटरी ख़राब हो जाता है गाड़ी में, धक्का से स्टार्ट होता है,
तो समझ जाइए मेरा बैटरी ख़राब था, तो उन्होंने धक्का लगाया तो मेरा स्टार्ट हो गया। स्टार्ट हो गया जब से चल रहा है, आपका प्यार दुलार बहुत मिल रहा है दोस्तों, हम बहुत खुश रहते हैं। और देखिए, और हम बकरी चराने आए हैं तो सोचे हैं आज वीडियो बना लेते हैं, आप लोगों तक दिखाएंगे ज़रूर। देख लीजिए गाइस, बहुत मस्त लोकेशन है। तो दोस्तों वीडियो को ख़त्म करते हैं, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। खुश रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो। तो भाई आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और वीडियो को शेयर करें ताकि ये वीडियो हर आदमी तक पहुंचे। क्योंकि यार हर आदमी परदेश में रहता है, ऐसी मुसीबत सबके ऊपर है यार, बहुत बहुत परेशान आदमी है यार। बहुत लोग सोचते हैं यार हम तो यहाँ आए सऊदी में इतना परेशान है, पर हमसे ज़्यादा कुछ लोग परेशान हैं। तो चलो देखते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो ढूंढ के लाएंगे इनके फ्रेंड के लिए। तब तक के जय हिंद, जय भारत।